अब तक की सबसे बड़ी खबर, कश्मीर के जैश के दो बड़े आतंकी का खात्मा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला सुरक्षा बलों ने ले लिया है। जिस आतंकी कामरान उर्फ गाजी रशीद ने पुलवामा हमले की साजिश रची थी, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, सुरक्षा बलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 5 दिनों से गाजी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसके मंसूबों को ही धो दिया। सोमवार को पुलवामा में करीब 11 घंटे तक चले इनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें गाजी भी शामिल था। हालांकि इस हमले में सेना के 4 जवान भी शहीद हुए। सोमवार को ही सुरक्षा बलों ने यहां एक बिल्डिंग को ही उड़ा दिया, जहां आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकी कामरान उर्फ गाजी रशीद भी इस इनकाउंटर में ढेर हो चुका, जिसे पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बोला जा रहा है। इन एनकाउंटर में जैसे मोहम्मद का टॉप कमांडर कामरान भी घिरा था। कामरान कई हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है, जिसे हाल में ही पुलवामा आतंकी हमले में भी शामिल है। पिछले 3 घंटे से फायरिंग रुकी हुई थी, लेकिन फिर शुरू हुई और आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। मुठभेड़ रुक गई, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। यह ऑपरेशन देर रात 12 बजे से चल रहा था। पूरी रात दोनों तरफ से गोलाबारी हुई, इलाके को घेर कर गांव वालों को बाहर निकाला जा रहा था। देर रात को इस ऑपरेशन को 55 RR, CRPF और SOG के जवानों ने मिलकर चलाया। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। जो जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, उसमें मेजर DS डोंडियाल, हेड कांस्टेबल सेवाराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह शामिल है। एक जवान घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी घिरे थे, वह भी जैसे मोहम्मद के ही थे। इन एनकाउंटर में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई है। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये एनकाउंटर सोमवार तड़के शुरू हुआ था। एनकाउंटर में घायल हुए जवानों को एनकाउंटर वाले इलाके से निकालकर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। एहतियात के तौर पर पुलवामा जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलवामा में आतंकियों के समर्थन में पत्थरबाज फिर आए। पुलवामा के पिंगलन में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसी दौरान आतंकियों ने हमला किया।